हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देख लिया है कि किस तरह से हम 3 हिंसी अदद और 1 हिंसी अदद का ज़र्ब कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से 3 हिंसी अदद को 2 हिंसी अदद से ज़र्ब किया जा सकता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक आसान सी मिसाल लेते हैं पहले आपको समझाने के लिए कि 869 ज़र्ब 12। क्या करना है यहाँ पर हमको? 869 को 12 से ज़र्ब करना है। अब हम यहाँ पर खाके की मदद से किस तरह से ज़र्ब किया जा सकता है वो देखेंगे। तो 869 को हम पहले इसकी तौसी की सूरत में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? 800 के मुकाम पर है तो उसको 800 लिखेंगे, 6 दहाई के मुकाम पर है तो उसको 60 लिखेंगे, और 9 इकाई के मुकाम पर है इसलिए उसको 9 लिखेंगे। इसी तरह से 12 को 10 जमा 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम एक खाका तैयार करते हैं। खाका तैयार करने के लिए हम स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बिना स्केल के खाका तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर हम लिख देंगे ज़र्ब की अलामत, और जिस अदद को ज़र्ब करना है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि हम 869 को ज़र्ब कर रहे हैं तो वो ऊपर ही आए, आप उसको नीचे भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमने पिछली जमात में ही ज़र्ब की खसूसियत के बारे में पढ़ा है कि 2 ज़र्ब 3 या 3 ज़र्ब 2, दोनों का जवाब हमेशा एक सा ही आता है। तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप 12 यहाँ लिखते हैं या यहाँ लिखते हैं। बस इस बात का ध्यान की रखिए कि खाका बनाते वक्त हमारा जो तरतीब है वो ना बिगड़े, तो हमारा जवाब बराबर आएगा, वरना हमारा जवाब गलत भी हो सकता है। तो ठीक है, खाका यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है। अब हम एक एक से तमाम हिंसों को ज़र्ब कर लेते हैं। सबसे पहले हम 9 और 10 का ज़र्ब करेंगे। बहुत ही आसान है, 90 आ गया। 10 और 60 का ज़र्ब किस तरह से कर सकते हैं? ये 1 और 6 का ज़र्ब किया, 6 का 6। कितने सिफर हैं? 2 सिफर हैं, 2 सिफर यहाँ पर लगा दिए, है ना आसान। 10 और 800 का ज़र्ब, 1 का और 8 का ज़र्ब करते हैं, 8 एक 8। कितने सिफर हैं कुल? 1 2 3, 3 सिफर यहाँ पर लगा दिए। अब इसके बाद फिर से हम 2 और 9 का ज़र्ब करते हैं, 9 दुनी 18। 2 और 60 का ज़र्ब कैसे करेंगे? 2 और 6 दहाई का ज़र्ब करेंगे, 12, और ये सिफर का सिफर। 2 और 8 का ज़र्ब करेंगे, 8 यहाँ पर सैकड़े के मकाम पर है, कितना हो जाएगा ये? 8 दुनी 16, और ये 2 सिफर के सिफर। अब ये खाके की हम जो हासिले ज़र्ब है इसकी जमा करते हैं। इसकी जमा हम 2 तरीक़े से कर सकते हैं। या तो जितने भी हमारे यहाँ पर हासिले ज़र्ब हैं एक के नीचे एक लिख कर जमा करें, लेकिन हम इसको इस तरह से भी जमा कर सकते हैं कि ये जो 2 सुतून हैं यहाँ पर नीचे उनकी जमा लिख लेंगे। जैसे कि 8000 और 1600 जमा करते हैं, 0 इकाई 0 इकाई, 0 0 दहाई 0 दहाई, 0 0 सैकड़ा 6 सैकड़ा, कुल हो गए 6 सैकड़ा। 8000 1000 कितने हो गए? 9000। अब इसकी जमा कर लेते हैं, 0 इकाई 0 इकाई, 0 0 दहाई 2 दहाई कितने हो गए? 2। 6 सैकड़ा 1 सैकड़ा कितने हो गए? 7। कितनी जमा आ गई इसकी? 720। अब आखिर में 0 इकाई 8 इकाई कितने हो गए? 8 इकाई। 9 इकाई 1 इकाई कितने हो गए? 10 इकाई। तो इस तरीके से करने से हमारे जो बहुत लंबा सा जो हमारा हासिले जमा आएगा वो एकदम कम हो जाएगा। अब हम आखिर में ये तीनों की जमा कर लेते हैं, 9600, 720 और 108। जमा करते हैं, 0 इकाई 0 इकाई 8 इकाई, कुल हो गए 8 इकाई। 0 दहाई 2 दहाई 2 दहाई कितने हो गए? 2 दहाई। सैकड़े की जमा करते हैं, 6 सैकड़ा और 7 सैकड़ा 13 सैकड़ा, 13 सैकड़ा और 1 सैकड़ा कितने हो गए? 14 सैकड़ा। लेकिन हम 14 सैकड़े में सिर्फ यहाँ पर 4 सैकड़ा लिखेंगे और 10 सैकड़ा जो कि 1000 होता है उसको यहाँ पर हासिल में दे देंगे। अब 9000 और 1000 कितने हो गए? 10000।
इसका मतलब 869 को अगर हम 12 से ज़र्ब करेंगे तो हमारा हासिल ज़र्ब आएगा 10,428।